दमोह विधानसभा से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह लोधी के पार्टी बदलने के बाद बंडा विधायक तंवर सिंह लोधी के बारे में भी अफवाहें फैलाई जा रही है कि वह भी शीघ्र भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए बंडा विधानसभा विधायक लोधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विधायक पार्टी मेरी माँ की तरह है, मैं कभी अपनी पार्टी से गद्दारी नहीं करूँगा और ना ही किसी प्रलोभन में आऊँगा। जिन लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही है उन पर भी कानूनी कार्रवाई करूँगा। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। लोधी समाज के नहीं, कांग्रेस पार्टी के अभी बहुत विधायक लाइन में हैं और लोधी समाज का एक विधायक और जल्दी आने वाला है। कौन है, क्या नाम है? वो नाम आपको पता चल जाएगा। मंच से घोषणा कर दी, अब क्या रहेगा? बंडा के विधायक हैं तंवर सिंह लोधी, वो जल्दी आने वाले। कब आ रहे हैं, बात हो गई? नहीं, आपको समय बताएगा, जल्दी जल्दी आ जाएंगे। रेट वेट फिक्स हो गया? नहीं नहीं, ये रेट वेट का कोई नहीं, यहाँ विकास के लिए, सब अपने क्षेत्रों में विकास नहीं हो रहा इसलिए सब आ रहे हैं। अच्छा, तो पूरे कांग्रेस के पूरे विधायक आएंगे क्या? पूरे नहीं, जिनकी इच्छा है, जो विकास चाहते हैं वो आएंगे। आपके संपर्क में कितने हैं? सामाजिक की सभा में ये दावा किया है कि बंडा विधायक तंवर लोधी जो है वो जल्द ही भाजपा में शामिल हो रहे हैं, आपका क्या कहना है उनके इस बयान पे? सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, ये सिर्फ अपने स्वार्थ बस फर्जी संगठन चलाते हैं रामगोपाल जी राठौर। और जो उन्होंने कल सुर्खी में जो सभा हुई है उमा जी की, उसमें जो बोला है वो सरासर गलत है। मेरा उनसे कभी कोई इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई। और दूसरी बात, ये सिर्फ सुर्खी विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये साजिश रची गई है और ये सिंधिया जी और गोविंद जी के कहने पर रामगोपाल जी ने वहाँ कहा है। मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता कि मैं भाजपा में जाऊँगा। ये तो सिर्फ जो लोधी वोटर हैं वो आज कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव है, उस चीज़ को लेकर ये गलत तरीके से वहाँ बयानबाजी करी गई है रामगोपाल जी के। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।